आपके एक बात से इतफाक करते हैं कि हसीना वालिद ने बांग्लादेश को हिंदुस्तान की कॉलोनी बना दिया था? जी बिल्कुल। और देखिए, उसकी सबसे बड़ी सबूत ये है कि जब आप इससे आप दोस्ती ज्यादा रखते हैं, उसी से आपको तवक्को है कि आप वहां पना भी ले सकें। तो नतीजा है, सबसे पहली रिएक्शन उनकी ये थी कि वो इंडिया चले गए, हेलीकॉप्टर में हेलीकॉप्टर कहीं और चली जाती, रंगून चली जाती, बर्मा था, बर्मा चली जाती, थाईलैंड चली जाती, नहीं उन्होंने इंडिया चुना। और ये इत्तेफाक है कि इंडिया ने खुद उनको इनकार कर दिया आने से अपनी जगह, लेकिन उनकी पहली चॉइस इंडिया। तो इंडियन प्रो इंडियन एलिमेंट जो है हसीना का, वो वाजे होता है इस। अच्छा, आप ये समझते हैं कि उनका जो अवसर हुआ है, उनको जिस तरीके से बेदखल किया गया है और जिस तरीके से तालिबान ने किया, एक्चुअली ये तो तलबा की मूवमेंट थी जी जो, तो आप समझते हैं कि जो तलबा की जो मूवमेंट थी वो इस वजह से थी कि उनके जो इख्तियार थे, जो उनके मुतालबात थे, जो उनके माशी मुतालबात थे, वो उनको ये दबा रही थी और उन लोगों को तरजीह दे रही थी कि जिन्होंने 71 में बांग्लादेश के खिलाफ में अहम किरदार अदा किया। हसीना ने कोशिश की कि जी किसी तरीके से उसको इस्तेमाल करने के लिए, वो पढ़वी याददाश्त थी तो उसको इस्तेमाल करके एक्सप्लॉइट करने के लिए। लेकिन हकीकत ये थी कि इसने लगभग 30% 30% बाकायदा उसे